हेलो, मैं प्रतिमा सिंह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। आशा है आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगेगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया की ज़िंदगी शुरू होने के साथ वो आज तक उस चीज़ को अपने साथ रखे हुए है, लेकिन कमजोरी बनकर नहीं, अपनी एक स्ट्रेंथ बनाकर उस वीकनेस को उसने रखा है। मैं आप लोगों को सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स हमारे आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, प्लीज़ टूटिए मत, बिखरिए मत, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए। हर इंसान में कुछ खासियत होती है, कुछ कमियां होती हैं। हर इंसान में कुछ फिज़िकल वीकनेसेस होती हैं तो फिज़िकल स्ट्रेंथ्स होती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम अपनी फिज़िकल वीकनेस को हावी होने दें या जो हमारे पास फिज़िकल स्ट्रेंथ हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि हमारी वो वीकनेस वीकनेस नहीं रहे, वो हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाए। आज जिस बच्ची की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उस बच्ची ने अपनी चाइल्डहुड से स्ट्रगल देखा। स्ट्रगल कोई और स्ट्रगल नहीं था, उसका एक अपना पर्सनल स्ट्रगल था, उसके लाइफ का एक पर्सनल स्ट्रगल, एक ऐसी चीज़ जो उसके पास थोड़ी कम थी। था सब कुछ लेकिन थोड़ा कम था, और वो थोड़ा कम ही उसकी पर्सनालिटी को ख़त्म करने या उसकी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत बड़ा हाथ अदा कर सकती थी। जी हाँ, मैं जिस बच्ची की बात कर रही हूँ वो मैं ही हूँ, प्रतिमा सिंह। मैं अपनी फिज़िकल वीकनेस जो कि आई साइट है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, अपने वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ जो कि आम तौर पे हर स्पेक्स पहनने वाला बच्चा फेस करता है और लोग उसको समझ नहीं पाते। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सेकंड क्लास में मथुरा में ब्लैकस्टोन स्कूल में पढ़ने के लिए गई, वहाँ पर टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ब्लैकबोर्ड के बिल्कुल सामने बिठाने के बाद भी मैं ब्लैकबोर्ड से जो भी लिखा होता था वो नोट डाउन अपनी कॉपी में नहीं कर पाती थी, और उसकी वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं जा रही थी। उन्होंने प्रिंसिपल से कह के मेरे फादर को बुलवाया और उनसे कहा कि मैंने इसको सबसे आगे बिठा दिया है, उसके बाद भी ये क्लास में जो काम दिया जाता है ब्लैकबोर्ड के ऊपर वो नहीं देख पाती, आप इसे किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाइएगा, हो सकता है इसकी आईज वीक हों। मेरी आईज टेस्ट हुई, पता चला मैं मायोपिक हूँ और मेरी आईज वीक हैं, चश्मा लग गया। चश्मा हर हफ्ते टूट जाता था, छोटी थी, गिर जाता था, टूट जाता था, लेकिन चश्मा पहनना था मुझको, मुझे तह जिंदगी चश्मा पहनना था। मुझे नहीं पता था, मैं इतनी छोटी थी, मुझे इसके बारे में अंदाज तक नहीं था ये चश्मा चीज़ क्या होती है और क्यों पहनना पड़ रहा है। फिर
हम हिमाचल वापस आ गए। डेपुटेशन का ड्यूरेशन मेरे फादर का ख़त्म हुआ। वहाँ पर स्कूल में एक दिन हम लोग विश्व अमृत खेल रहे थे। मेरी फ्रेंड ने पीछे से आके मुझे अमृत किया और पुश किया जल्दी दौड़ने के लिए। मैं गिर गई और मेरा चश्मा उछल के दूर गिरा। लड़कियाँ दौड़ रही थी, फ्रेंड्स दौड़ रही थी और चश्मा टूट गया। मैं आपको नहीं बता सकती जब तक चश्मा बनकर आया, क्योंकि हिमाचल में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। नाहन में चश्मा नहीं बन पाता था, तो जब तक चश्मा बन कर नहीं आया तब तक मैंने अपना वो ड्यूरेशन कैसे फेस किया आई कैन नॉट एक्सप्लेन। फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं गई। वहाँ पर हमारा हाउस कंपटीशन था। मैं पहाड़ी डांस, जिसको नाटी कहा जाता है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होना था उस दिन हमारी जो क्लास टीचर थी उन्होंने बोला प्रतिमा को निकाल देते हैं। दूसरी टीचर ने बोला क्यों निकाल देते हैं आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि ये चश्मा पहनती है इसलिए इसको हम निकाल देते हैं और ये स्टेज के ऊपर गिर जाएगी बिना चश्मे के। शी सेड आई टेक दिस चैलेंज, इफ दिस हैपन्स आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं होने वाला है, लेट हर बी देयर। मैंने पार्टिसिपेट किया, हमारा जो नाटी थी हाईली कमेंडेड रही। फिर एक और इंस्टांस मेरी लाइफ में हुआ जब मैं 8th क्लास में थी। उस समय मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे चश्मा उतार के अपने बैग में रख लिया। मैं बहुत परेशान हुई। क्लास टीचर जब आई मैंने उनसे बोला मैम प्लीज़ मेरा चश्मा इनसे दिलवा दीजिए, मैं इसके बिना नहीं देख पा सकती। उन्होंने उनको समझाया, बोले देखो इसके साथ आप ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि ये बिना चश्मे के नहीं देख पाएगी। देखिए लाइफ में जो भी आपके अच्छे या बुरे कोई भी इंस्टांसेस होते हैं आप भूलते नहीं हैं। इन चीज़ों ने मेरी लाइफ के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। फिर इन शॉर्ट मैं बताती हूँ, एक टीचर ने कहा आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते, आप साइंस स्टूडेंट हो लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन मैं टूट गई थी, टोटली आई वॉज ब्रोकन। एंड व्हेन आई वेंट होम आई सेड मामा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। शी आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू यू, आई सेड टीचर ऐसा बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज इन 10th क्लास और ये हमारा कैरियर ईयर था, बोर्ड क्लास, बोर्ड के एग्जामिनेशन होने थे। एक और क्लास फिजिक्स की क्लास चल रही थी जिसमें कि मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स शरारत कर रही थी। टीचर को लगा शायद मैं शरारत कर रही हूँ, उन्होंने मेरा चश्मा मुझसे ले लिया और ड्रॉअर में डाल के बोले अब आप ब्लैक बोर्ड से पढ़िएगा, यह आपकी पनिशमेंट है। मैंने सर से बोला सर प्लीज़ आप मेरा चश्मा दे दीजिए। ही सेड नो यू वोंट गेट इट। आई सेड प्लीज़ आई कांट रीड विदाउट माय स्पेक्स, प्लीज़ गिव मी, डेफिनेटली आई रीड इट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। लेकिन इन इंस्टांसेस ने मुझे हर बार झंझोड़ा, शिकन अप किया, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दुख होता था, टूटती थी, बिखरती थी, फिर मजबूत होके फिर खड़ी हो जाती थी। नो प्रतिमा, यू हैव नो ऑप्शन इन योर लाइफ,
यू हैव टू फेस दिस थ्रू आउट योर लाइफ. सो मेक इट योर स्ट्रेंथ. डोंट फील वीक. इस कमी को आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे रिमूव कर दो. इस तरह से लाइफ में मेरे बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए, शादी के समय भी लोगों का कहना था बिना चश्मे के आप इसका फ़ोटो खींचो तो शायद सिलेक्शन हो जाए. आई सेड नो. मैं जैसी हूँ मेरा फ़ोटो ऐसे ही जाएगा. हमारे टाइम में फ़ोटो जाया करते थे. रिजेक्शंस हुए, किसी ने पसंद किया, सामने देखकर एकदम पसंद किया, लेकिन जब आपको रिजेक्शंस मिलते हैं तब आप कैसा महसूस कर सकते हैं? वो मेरे से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता. लेकिन मैंने अपने उन रिजेक्शंस को पॉजिटिविटी में बदला. अपनी जो मेरी क्वालिटीज़ थी, जो मेरी में ताकत थी, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट्स थे, उनको स्ट्रॉन्ग किया और अपनी आपको पॉजिटिविटी की तरफ जोड़ दिया. अभी मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस अपने लेकर आऊँगी जिसमें मैंने आउटस्टैंडिंग काम किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है. मैं आप सब से एक यही सजेशन, एक एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि अपने किसी भी वीकनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. बी स्ट्रांग, फेस द वर्ल्ड. वर्ल्ड विल नॉट लेट यू गो लाइक दिस. यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट यू हैव द स्ट्रेंथ. Your weakness is not your weakness. Your weakness is your strength. And that strength can take you to any heights. अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दीजिए कि आपकी जो कमियाँ हैं वो छुप जाएं और आप में जो खुशबू है, जो खूबसूरती है, जो ताकत है, जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आप कभी हारे ना, आपको कोई डिफीट नहीं कर पाए. ऑब्स्टेकल्स हर लाइफ में, हर स्टेज में आपके सामने आएंगी, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और अपनी वीकनेस को वीकनेस मत बनने दीजिए. आज मैं अपने आप को एक इतना लकी इंसान समझती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने बनाते हुए एक छोटी सी कमी छोड़ दी तो क्या हुआ? जो गुड मुझ में हैं, जो खूबियाँ उन्होंने मुझको दी हैं, जो ताकत उन्होंने मुझको दी हैं, जो माँ बाप उन्होंने मुझको दिए हैं, जो कि मेरी स्ट्रेंथ रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, ऐसे माँ बाप को मैं पाकर मैं धन्य हूँ. ऐसे टीचर्स को पाकर मैं धन्य हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को बनाया, जिन्होंने मुझे पॉजिटिविटी की तरफ टर्न किया. और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है आपको अच्छे पेरेंट्स मिल गए, आपको अच्छे टीचर मिल गए, आपको मेंटर अच्छे मिल गए, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करना चाहते तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता.
I decided that I will not be defeated by anything. Nobody can defeat me. So please, thank you very much. मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी, लेकिन इसको अपना एक स्ट्रेंथ बना लीजिए. बी हैप्पी, बी सेफ, बी ब्लेस्ड ऑल द टाइम. नमस्कार, फिर मिलती हूँ आपको.